अग्निकांडना आरोपी पूर्व टीपीओ मनसुख सांगठियाना कौभाडमां अटवायेला बांधकाम हवे तोड़ाशे। मनसुख सांगठियाना समय में मंजूर थयेला 628 जेटला विवादित बांधकाम तोड़वामां आवशे। जे ते समये गैरकायदे बांधकामोने नोटिस आपी परंतु बांधकाम दूर नहोता थया। दिवाळी बाद गैरकायदे बांधकाम उपर आरएमसीनुं बुलडोजर फरी वळशे। तो महत्वनी बात ए छे के राजकोट नो जे हत्याकांड थयो त्यारबाद आ समग्र मामलो सामे आव्यो छे। जो ए हत्याकांड न थयो होत तो आ प्रकारनो जे गैररीति थयेली छे राजकोट मां ते तमाम गैररीति बहार न आवी होत अने आ रीते जे टीपीओ ए जे गैरकानूनी काम कर्यु हतुं ते पण बहार न आव्यो। मनसुख सांगठियाना समयना बांधकाम हवे तोड़वामां आवशे। आ पहेला आरएमसी ने खबर ज नहोती के कोण गैरकायदेसर बांधकाम करे छे, राजकोट मां गैरकायदेसर बांधकाम क्यां थयेला छे। आ बधी ज वात कोई घटना थाय त्यारबाद ज सामे आवती होय छे। शहेरना विविध विस्तारमां थया हता गैरकायदे बांधकाम, जे हवे राजकोट महानगरपालिकानी आंखो खुलशे। सांगठियाए करेला पापनुं परिणाम हवे दूर करवामां आवशे। आ विषे वधु माहिती मेळवी अमारा संवाददाता भावेश पासेथी। भावेश, राजकोट महानगरपालिका ने हवे मोड़े मोड़े खबर पड़शे राजकोट मां जे अग्निकांड थयो, जो ए अग्निकांड न थयो होत तो आ तमाम गैरकायदे बांधकाम तूट्या पण न होत। जी मित्रों, जे प्रमाणे राजकोट मां अग्निकांड गेमझोन थयो, 27 जेटला निर्दोष लोकोना मोत थया छे। अग्निकांडमां जीते जीता लोको छे ते गुंजाई गया छे, एवामां हवे कोर्पोरेशन द्वारा कार्यवाही छे ते करवामां आवनार छे। 600 करता वधारे गैरकायदेसर जे बांधकामो छे, आ तमाम जे बांधकामो छे तेमने नोटिस फटकारवामां आवी छे। मनसुख सांगठियाना कार्यकाळ दरमियान नोटिस तो फटकारी हती परंतु कोई पण प्रकारनी कार्यवाही थई नहोती। જ્યારે એવી પણ આશંકા છે કે મનસુખ સાગઠિયાએ પૈસા લીધા હોય, નાણાંની લેતીદેતી કરી હોય, જેના કારણે આ બાંધકામો છે તે યથાવત રાખવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ હવે કોર્પોરેશન દ્વારા 600 કરતા વધારે જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો છે તેમને નોટિસો ફટકારવામાં આવી છે અને ટૂંક જ સમયમાં છે તેની ડિમોલેશનની કાર્યવાહી છે તે હાથ ધરશે. જી મિતુલ. જી જી, આભાર ભાવેશ, માહિતી આપવા બદલ.